हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम स्टूडेंट में डिस्कस करेंगे JEE का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो आपको अपना जो मेरिट लिस्ट है कैसे क्या करना है, कैसे चेक करना है, कौन से वेबसाइट से किस तरीके से चेक करना है, आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और काफ़ी ईजी रहेगा। तो आपको सिंपल सा जैसे बताऊँगा वैसा करना है, आपको काफ़ी ईजी है। तो सिंपल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना। जैसे मैंने ओपन कर लिया google.com, और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, JEE 2020 IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट जहाँ पर आपको JEE के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। या फिर मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब मैं सर्च करके जहाँ पहुँचाता हूँ उधर आप पहुँच जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे जहाँ पे ये पेज मैं ओपन हो चुका हूँ, ठीक। आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अब कि यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, JEE का जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है, ठीक। यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा, सेकंड कहाँ लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा यहाँ पर, सेकंड मेरिट लिस्ट हैज़ बीन रिलीज ऑन फेबरी तो फेबरी जो है, फेबरी में जो आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो अब आपको कैसे चेक करना है, तो उससे पहले जो सामने आपके फॉर्म है इस फॉर्म को आपको मेक श्योर करें कि फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है, आपका नेम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, तो ठीक। तो जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिए। एग्जांपल तौर पर मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट आपका स्टेट कौन सा करंटली, और आपकी सिटी कौन सी है, जिस किसी भी सिटी के रहने वाले हैं आप उस सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट इन, तो जिस किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट BBA जिस किसी भी कोर्स में आपको। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या, 10-12 डिप्लोमा ग्रेजुएशन। सेलेक्ट करने के बाद गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग, ठीक। क्लिक करने से क्या होगा वहाँ पे कि कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपके और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। किसके थ्रू, किसके रिलेटेड, JEE के रिलेटेड आपको जम्मू के रिलेटेड जो यहाँ पे आपका रिलेटेड जो है आपको वो सारी चीज़ जो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे आपके जीमेल आईडी और ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके किया मैंने। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ओके, यहाँ पे जो सेकंड मेरिट लिस्ट है रिलीज़ हो चुकी है, ठीक। आपको पता है तो 6 फरवरी को रिलीज़ हुई, ठीक। और यहाँ पे लिखा है फॉर वेरियस कोर्सेज के लिए, ओके, वेरियस कोर्सेज के लिए, ठीक। तो जो जो और कोर्सेज रहेंगे उन सारे कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू इंडिया, ठीक। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको नीचे आनी है, यहाँ पे लिखा है मेरिट लिस्ट रिलीज, तो यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे लिखा है सेकंड, नीचे लिखी हुई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये ठीक है, इस पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो फर्स्ट नहीं चेक करना है आपको, सेकंड चेक करनी है। तो यहाँ पे सेकंड वाले पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड, तो क्लिक हियर टू चेक ऑल मेरिट लिस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं न्यू टैब में ओपन होंगे, ये आप डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड पे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है PG मेरिट लिस्ट JEE, ओके। अब यहाँ पे सिंपल है, आपको यहाँ पे लिखा है LLB 3 years लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ ओपन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लिक हेयर करना है। एग्जांपल तो मैंने सेलेक्ट किया पहला वाला, तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकते हैं क्लिक किया आपके सामने, ओके, मैं जूम कर दिया ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो LLB का लिए जो यहाँ पर 3 years का जो होता है उसका, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे डेट इशू इंश्योरेंस मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट नेम ऑफ कैटेगरी, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, क्या है आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज कितने, मतलब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल फाइनल ईयर सेमेस्टर, तो यहाँ पे कितने मार्क्स आप में UG में आए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइनल ईयर्स का, यहाँ पे ओवरऑल UG का यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे रैंक लिखा, आपका रैंक कौन सा, फर्स्ट रैंक है, ठीक। तो जिनका यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, तो ठीक। तो इस तरीके से रैंक बताया गया है, काफ़ी ईजी है। तो ऐसे आपको सारा जो है आपको रैंक देख लेना, आपका कौन सा
कितना मार्क्स है, आपके नाम क्या है, एप्लीकेशन आईडी, उसके थ्रू जिसके भी थ्रू आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, काफ़ी इजी है। ऐसे आपको सब देख लेना काफ़ी इजी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर आप ये वाला भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं न्यू टैब में ऊपर हैं। अब यहाँ पर आपको आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पहले जूम कर देता हूँ। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे नेम लिखा हुआ आपका, यहाँ पे पेरेंट्स, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे यूजी का परसेंटेज, तो इस तरीके से आपका जो है सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो काफ़ी इजी है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।